अभी तक हम जिक्र कर चुके हैं कि पेड और ऑर्गेनिक कैसे दो डिफरेंट मीडियम्स हैं जिनके तहत हमारे पास ट्रैफिक आती है, लेकिन हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि किस किस तरह से मीडिया डिजिटल पे काम करता है और हमें किस किस तरह से मीडिया को क्रिएट करना होता है, और मीडिया से मुराद वो कॉन्टेंट या वो स्पेस है जो आप ऑन करते हैं। इस वक्त डिजिटल पे जितना मीडिया अवेलेबल है उसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पेड, पेड मीडिया कहलाता है, दूसरा अर्न मीडिया कहलाता है, तीसरा शेयर्ड मीडिया कहलाता है और चौथा ऑन मीडिया कहलाता है। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऑन मीडिया है, वो ये वो मीडिया है जो आप ऑन करते हैं। तो ऑन मीडिया में क्या क्या आता है? ऑन मीडिया वो सब चीज़ों का नाम है जो मीडिया आप ऑन करते हैं। ऑन मतलब जिसकी आप मलकियत रखते हैं। आप किसकी मलकियत रखते हैं? आप अपनी डोमेन की मलकियत रखते हैं, आप अपनी वेबसाइट की मलकियत रखते हैं, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब कि आप जो आर्टिकल क्रिएट करते हैं वो आपकी मलकियत होती है, आपकी वीडियो आपकी मलकियत है, या इस तरह से जितने भी आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं उसमें चाहे ई बुक है, चाहे आपका इमेज है, चाहे आपका इंफोग्राफिक है, ये सब कंटेंट आप ऑन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही कंटेंट होता है, क्योंकि जब आपको कंटेंट चाहिए आप इसी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। इस कंटेंट के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी होती है क्योंकि ये आप ऑन करते हैं। आपको जब इसको प्रमोट करना हो तब आप इसको पे करके प्रमोट कर सकते हैं। तो जितना मीडिया आप पे करके हासिल करते हैं, जितनी ट्रैफिक आप पे करके हासिल करते हैं, उसको पेड मीडिया में शुमार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी मैंने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली है, मुझे अब इसको पे करके जल्दी ऊपर आना है ताकि हम फौरन से ट्रैफिक लेना शुरू कर दें। वो आपको जो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी वो पेड मीडिया के तहत कहलाई जाएगी, और इस पेड मीडिया को आप डिपेंड करता है कि कितना बजट आप स्पेंड करेंगे, और उतने बजट के तहत आपको उतनी ट्रैफिक मिल जाएगी। सो ऑन मीडिया को आप पे करके प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप एक और अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए एक और काम करते हैं कि आप ऑन मीडिया अगर अच्छा बना लें, अगर आप आर्टिकल अच्छा बना लें, अगर आप ई बुक अच्छी लिख लें, तो वो अर्न भी की जा सकती है ट्रैफिक जो कि आप जिसके लिए आप पे कर रहे थे। सो अर्न कैसे की जा सकती है? हमने पहले जिक्र किया वायरल कंटेंट कैसे वायरल होता है। सो वायरल कंटेंट बेसिकली अर्न मीडिया की एक शक्ल है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप वो मीडिया वो फीडबैक अर्न करते हैं उन चैनल से जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपको मीडिया कवरेज देगा कि आपके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, आपके ऊपर इंटरव्यूज़ होंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप पैसे तो नहीं देते, लेकिन आपको फिर भी लोग प्रमोट करते हैं। ये आप अर्न करते हैं, ये आपकी कमाई होती है, ये ट्रैफिक आपकी कमाई होती है जो कि आप अपनी क्वालिटी से अर्न करते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जितना अच्छा आपका ऑन मीडिया होगा और अगर वो लोगों की हेल्प कर रहा है, अगर वो लोगों को बेनिफिट दे रहा है, तो लोग उसकी वायरलिटी में आपकी हेल्प करेंगे, वो उसको प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे। चौथा मीडिया जो है वो शेयर्ड मीडिया है। शेयर्ड मीडिया सोशल मीडिया से रिलेटेड है और ये काफ़ी हद तक अर्न मीडिया से मिलता जुलता ही है। अर्न मीडिया में लोग ज़्यादातर PR की बात करते हैं। PR मतलब पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है कि आपकी कंपनी ने कोई अच्छा काम किया तो मीडिया ने कवरेज दी, अखबारों ने आपके बारे में लिखा, TV ने इंटरव्यू किया, वो आपने अर्न किया। सोशल मीडिया भी ऑलमोस्ट इसी चीज़ का नाम है, लेकिन सोशल मीडिया में सोशल चैनल की डिपेंडेंसी आ जाती है। सोशल चैनल की डिपेंडेंसी मतलब कि आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया तो वो सोशल चैनल्स पे वायरल हो गया। वो कोई इमेज भी हो सकता है, वो आपकी कोई वीडियो भी हो सकती है, वो आपका कोई डिफरेंट और भी कोई एस्पेक्ट हो सकता है आपकी वेबसाइट का। सो ये सारे जो तीनों मीडियम्स हैं ये टोटल डिपेंड करते हैं इस चौथे मीडियम पे जो बेसिकली ऑन मीडिया है। अगर आप इस मीडिया को ऑन नहीं करेंगे तो आप पेड अर्न या शेयर्ड मीडिया में आप फ्लॉप हो जाएंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ फेसबुक पेज बना लें तो वो अपना बिजनेस चला सकते हैं। वो शेयर्ड मीडिया की एक एग्जांपल है। प्रॉब्लम ये है उसमें कि अगर आप फेसबुक पेज बनाएंगे, वो एक अच्छी बात है फेसबुक पेज बनाना, लेकिन सिर्फ फेसबुक पेज बनाना एक अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ फेसबुक पेज पर रिलाई करेंगे और फेसबुक अगर कल बंद हो जाता है या फेसबुक आपका पेज बैन कर देता है तो आपका सारा मीडिया डेड हो जाएगा। आपको ये चाहिए कि आप उस शेयर्ड मीडिया से, यानी फेसबुक से या और भी आपने कोई सोशल चैनल पे अपनी प्रोफाइल बनाई है, वहाँ से आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर आएँ ताकि आप वेबसाइट के थ्रू उनको ट्रैक कर सकें, उनको कन्वर्ट कर सकें, उनको सब्सक्राइब कराएँ अपनी ईमेल लिस्ट में, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो आपका एक एसेट बिल्ड हो जाए। आप बेशक मिलियंस फैन बना लें, आप फॉलोअर्स बना लें सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, अल्टीमेटली क्या होगा कि जिस दिन आपका पेज बंद हुआ, जिस दिन फेसबुक के बाद कोई नई कंपनी आ गई, या जिस दिन फेसबुक बंद हो गया, वो आपका सारा मीडिया डेड हो जाएगा और इस कदर उसमें इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी वो भी डेड हो जाएगी।
इसी तरह से पेड मीडिया में भी एडवाइस ये किया जाता है कि आप अपने ऑन मीडिया को पे करके प्रमोट करें और सिर्फ पे पे रिलाय ना करें। सो आप पेड मीडिया में पैसे जितने लगाएंगे और जब तक लगाएंगे तब तक आपको ट्रैफिक मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप पैसे बंद करेंगे वो आपकी ट्रैफिक गिर जाएगी। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अगर फॉरेन ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो आप पेड मीडिया अच्छी बात है उसको ज़रूर करें, लेकिन उससे उसके साथ आप अपनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपने ओन मीडिया के ऊपर लेके जाएं ताकि लोगों को आप याद रह जाएं, नेक्स्ट टाइम वो आपको पे करके ना उनको मिलें, आप वो डायरेक्टली भी आपके पास आ जाएं तो आपकी डायरेक्ट ट्रैफिक हो जाएगी। सो इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने आगे चल के ये डिस्कस करना है कि SEO कैसे करनी है, SEO जब भी होती है वो ओन मीडिया के ऊपर होती है। ऑन मीडिया आपका जब होगा वो कंटेंट जो आप ऑन करेंगे उसके ऊपर आप SEO करेंगे, बाकी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन आप SEO के तहत आप ऑन मीडिया अगर मिस करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगी और SEO भी आपकी नहीं हो सकेगी। एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि SEO से बाहर है लेकिन फिर भी इस सिनेरियो में अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि आप सब चीज़ों का बराबर इस्तेमाल करें, सब चीज़ों में आप महारत हासिल करें, तो आप सेंटर में देखेंगे कि अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, जो कि अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आपको ऑन मीडिया भी चाहिए जिसमें आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लेंगे, आप पे करके भी ट्रैफिक लेंगे, आप अर्न भी करेंगे और आप शेयर्ड मीडिया से भी ट्रैफिक लेंगे। तो अल्टीमेटली आप एक पूरा अथॉरिटी 360 अथॉरिटी बिल्ड कर लेंगे, जब आप एक अथॉरिटी वेबसाइट बन जाएंगे तो लोग आपको जानेंगे भी और आपके लिए आसान होगा खुद के बिजनेस को प्रमोट करना और आपके लिए भी आसान होगा कि आप अच्छी मार्केटिंग कर सकें और एक ब्रांड बन सकें।